ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान रामकृष्ण परमहंसा के वचनामृत का 11वां वीडियो है। इसको हम शुरू कर रहे हैं अनुच्छेद 29 भाग 4, गोपी प्रेम अनुराग रूपी बाग। श्री रामकृष्ण ने कुछ गाने के लिए कहा। रामलाल और काली मंदिर के एक ब्राह्मण कर्मचारी गाने लगे। ठेका लगाने के लिए एक बाया मात्र था। कुछ भजन गाए गए। श्री राम कृष्ण भक्तों से, बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है, वैसे अनुराग रूपी बाघ काम क्रोध आदि रिपुओं को खा जाता है। एक बार ईश्वर पर अनुराग होने से फिर काम क्रोध आदि नहीं रह जाते। गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्री कृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग था। और है अनुराग अंजना। श्रीमती राधा कहती है, सखियों मैं चारों ओर कृष्ण ही देखती हूँ। उन लोगों ने कहा, सखी तुमने आँखों में अनुराग अंजन लगा लिया है, इसलिए ऐसा देखती हो। इस प्रकार लिखा है कि मेंढक का सिर जलाकर उसका अंजन आँखों में लगाने से चारों ओर सांप ही सांप दिख पड़ते हैं। जो लोग केवल कामिनी कांचन में पड़े हुए हैं, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वे बद्ध जीव हैं। उन्हें लेकर क्या कभी महान कार्य हो सकता है? जैसे कुएं का चोंच मरा हुआ आम ठाकुर सेवा में लगाने की क्या खाने में भी हिचकचाहट होती है? संसारी जीव बद्ध जीव से रेशम के कीड़े हैं। यदि चाहे तो कोष को काट कर बाहर निकल सकते हैं, परंतु खुद जिस घर को बनाया है उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है। फल यह होता है कि उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो मुक्त जीव है वे कामिनी कांचन के वशभूत नहीं होते। कोई कोई कीड़े रेशम के, जिस कोई को इतने प्रयत्न से बनाते हैं उसे काट कर निकल भी आते हैं, परंतु ऐसे एक ही दो होते हैं। माया मोह में डाले रहती है। दो एक मनुष्य को ज्ञान होता है, वे माया के भुलाए में नहीं आते, कामिनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध। कोई कोई बड़े परिश्रम से खेत में पानी खींच कर लाते हैं। यदि ला सके तो फसल भी अच्छी होती है। किसी किसी को पानी सींचना ही नहीं पड़ा, वर्षा के जल से खेत भर गया, उसे पानी सींचने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ा। माया के हाथ से रक्षा पाने के लिए कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है। कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता, परंतु ऐसे दो ही एक मनुष्य होते हैं।
और है नित्य सिद्ध। इनका ज्ञान चैतन्य जन्म जन्मांतरों में बना ही रहता है, मानो फुव्वारे की कल बंद है। मिस्त्री ने इसे खोलते हुए उसको भी खोल दिया और उससे भी फर से पानी निकलने लगा। जब नित्य सिद्ध का प्रथम अनुराग मनुष्य देखते हैं तब आश्चर्य से कहने लगते हैं, ध्यानी भक्ति इतना वैराग्य इतना प्रेम इसमें कहाँ था। श्री राम कृष्ण गोपियों के अनुराग की बात कह रहे हैं। फिर गाना होने लगा, रामलाल गाने लगे। गीत का आशय यह है, हे नाथ तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुम ही हमारे प्राणों के आधार हो और सब वस्तुओं में सार पदार्थ भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ तीनों लोक में अपना और कोई नहीं। सुख शांति सहाय संबल संपद ऐश्वर्य ज्ञान बुद्धि बल वास ग्रह आराम स्थल आत्मीय मित्र परिवार सब कुछ तुम ही हो। तुम ही हमारे यही काल हो और तुम ही परकाल हो। तुम ही प्रीत्राण हो और तुम ही स्वर्ग धाम हो। शास्त्र विधि और कल्पतृ गुरु भी तुम ही हो। तुम ही हमारे अनंत सुख के आधार हो। हमारे उपाय हमारे उद्देश्य तुम ही हो। तुम ही सृष्टा पालन करता और उपास्य हो। दंड दाता पिता स्नेहमयी माता और भवार्णव के करण धार भी तुम ही हो। श्री राम कृष्ण भक्तों से आहा कैसा गीत है। तुम ही हमारे सर्वस्व हो। अक्रूर के आने पर गोपियों ने श्री राधा से कहा, राधे यह तो तेरे सर्वस्व धन का हरण करने के लिए आया है। प्यार यह है, ईश्वर के लिए व्याकुलता इसे कहते हैं। फिर गाना होने लगा, भावार्थ रथ चक्कर को न पकड़ो न पकड़ो। क्या रथ चक्कर से चलता है? जिनके चक्कर से जगत चलता है वे हरि ही इस चक्कर के चक्री हैं। गीत सुनते सुनते श्री राम कृष्ण गंभीर समाधि सागर में डूब गए। भक्तगण श्री राम कृष्ण को चुपचाप टकटकी लगाए देख रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। श्री राम कृष्ण हाथ जोड़े हुए समाधिस्थ बैठे हैं, वैसे ही जैसे फोटोग्राफ में दिखाई देते हैं। नेत्रों से आनंद आनंद धारा बह रही है। बड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, परंतु अभी उन्हीं से वार्तालाप कर रहे हैं जिन्हें समाधि अवस्था में देख रहे थे। कोई कोई शब्द सुन पड़ता है। श्री राम कृष्ण आप ही आप कह रहे हैं, तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूँ। खूब करते हो, परंतु यह मुझे पीलिया रोग तो नहीं हो गया। चारों ओर तुम ही को देख रहा हूँ। हे कृष्ण दीन बंधु प्राण वल्लभ गोविंदा। प्राण वल्लभ
गोविंद कहते हुए श्री राम कृष्ण फिर समाधि मगन हो गए। भक्तगण महाभाव में श्री राम कृष्ण को बार बार देख रहे हैं, किंतु फिर भी नेत्रों की तृप्ति नहीं होती। पांचवा भाव, श्री राम कृष्ण का ईश्वरावेश, उनके मुख से ईश्वर वाणी। श्री राम कृष्ण समाधि मग्न हैं, अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं, चारों ओर भक्तगण बैठे हैं। श्री अधर सेन कुछ मित्रों के साथ आए हैं। अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। इन्होंने श्री राम कृष्ण को पहले एक बार देखा है, आज दूसरी बार देख रहे हैं। इनकी उम्र लगभग 29-30 वर्ष की होगी। इनके मित्र शारदा चरण को मृत पुत्र का शोक है। ये स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर रह चुके हैं, अब पेंशन ले ली है। साधन भजन पहले ही से कर रहे हैं। बड़े लड़के का देहांत हो जाने से किसी तरह मन को सांत्वना नहीं मिलती, इसीलिए अधर उन्हें श्री राम कृष्ण के पास ले आए हैं। बहुत दिनों से अधर स्वयं भी श्री राम कृष्ण को देखना चाहते थे। श्री राम कृष्ण की समाधि छूटी, आंखें खोलकर आपने देखा कमरे भर के लोग आपकी ओर ताक रहे हैं। उस समय आप अपने आप कुछ कहने लगे। श्री राम कृष्ण के मुंह से ईश्वर स्वयं उपदेश दे रहे हैं। श्री राम कृष्ण कभी कभी विषयी मनुष्यों में ज्ञान का उन्मेष होता है, वह दीप शिखा की तरह दीख पड़ता है। नहीं नहीं, सूर्य की किरण की तरह छेद के भीतर से मानो किरण निकल रही है। विषयी मनुष्य और ईश्वर का नाम, उसमें अनुराग नहीं होता। जैसे बालक कहता है, तुझे भगवान की कसम है, घर की स्त्रियों का झगड़ा सुनकर भगवान की कसम याद कर ली है। वैसी मनुष्यों में निष्ठा नहीं होती। हुआ हुआ, नहीं हुआ तो नहीं सही। पानी की जरूरत है, कुआ खोद रहा है, खोदते खोदते जैसे ही कंकड़ निकला कि बस छोड़ दी वह जगह, दूसरी जगह खोदने लगा, लो वहां भी बालू ही बालू निकलती है, बस वहां से भी अलग हुआ। जहां खोदना आरंभ किया वहीं जब खोदता रहे तभी तो पानी मिलेगा। जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भी पाता है। इसीलिए गाने में कहा है भावार्थ, माँ श्यामा दोष किसी का नहीं, मैं अपने ही हाथों खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूँ। मैं और मेरा अज्ञान है, विचार तो करो, देखोगे जिसे मैं कह रहे हो वह आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विचार करो, तुम शरीर हो या हार्ड हो या मांस या और कुछ, तब देखोगे तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई उपाधि नहीं, तब कहोगे मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे न दोष हैं, न गुण, न पाप है, न पुण्य, यह सोना है और यह पीतल। ऐसे विचार को अज्ञान कहते हैं, और सब कुछ सोना है इसे ज्ञान। ईश्वर दर्शन होने पर विचार बंद हो जाता है,
फिर ऐसा भी है कि कोई ईश्वर लाभ करके भी विचार करता है, कोई भक्ति लेकर रहता है, उनका गुणगान करता है। बच्चा तभी तक रोता है जब तक उसे माता का दूध पीने को नहीं मिलता। मिला कि रोना बंद हो गया, तब आनंद पूर्वक पीता रहता है। परंतु एक बात है, कभी कभी वह दूध पीते पीते खेलता भी है और आनंद से खिलकारियां भरता है। वे ही सब कुछ हुए हैं, परंतु मनुष्य में उनका प्रकाश अधिक है। जहाँ शुद्ध सत्व बालकों सा स्वभाव है कि कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, वहाँ वे प्रत्यक्ष भाव से रहते हैं। श्री राम कृष्ण अधर का कुशल समाचार ले रहे हैं। अधर ने अपने मित्र के पुत्र शोक का हाल कहा। श्री राम कृष्ण अपने ही भाव में गाने लगे। भावार्थ, जीव समर के लिए तैयार हो जाओ, रण के वेश में काल तुम्हारे घर में घुस रहा है। भक्ति रथ पर चढ़कर ज्ञान तूण लेकर रसना धनुष में प्रेम गुण लगा ब्रह्मई के नाम रूपी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। लड़ाई के लिए एक युक्ति और है, तुम्हें रथ रति की आवश्यकता नहीं होगी। यदि भागीरथी के तट पर तुम्हारी यह लड़ाई हो, क्या करोगे? इस काल के लिए तैयार हो जाओ, काल घर में घुस रहा है, उनका नाम रूपी अस्त्र लेकर लड़ना होगा। कर्ता वे ही हैं। मैं कहता हूँ, जैसा कराते हो वैसा ही करता हूँ, जैसा कहते हो वैसा ही कहता हूँ। मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री, मैं घर हूँ, तुम घर के मालिक, मैं गाड़ी हूँ, तुम इंजीनियर। आम मुख्तार उन्हीं को बनाओ। काम का भार अच्छे आदमी को देने से कभी अमंगल नहीं होता। उनकी जो इच्छा हो करे, शोक भला क्यों नहीं होगा? आत्मज है ने, रावण मरा तो लक्ष्मण दौड़े हुए गए, देखा उसके हाड़ों में ऐसी जगह नहीं थी जहां छेद न हो। लौट कर राम से बोले, भाई तुम्हारे बाणों की बड़ी महिमा है, रावण की देह में ऐसी जगह नहीं है जहां छेद न हो। राम बोले, हाड़ के भीतर वाले छेद हमारे बाण के नहीं हैं, मारे शोक के उसके हाड़ जर्जर हो गए हैं, वे छेद शोक के ही चिन्ह हैं। परंतु यह सब अनित्य, घर परिवार संतान सब 2 दिन के लिए हैं। ताड़ का पेड़ ही सत्य है, 2 एक फल गिर जाते हैं, इसके लिए दुख क्यों? ईश्वर 3 काम करते हैं, सृष्टि स्थिति और प्रलय। मृत्यु है ही, प्रलय के समय सब ध्वंस हो जाएगा, कुछ भी न रह जाएगा। माँ केवल सृष्टि के बीज बीन कर रख देगी, फिर नई सृष्टि होने के समय उन्हें निकालेंगी। घर की स्त्रियों के जैसे हंडी रहती है जिसमें वे खीरे कोड़े के बीज, समुद्र फैन, नील का डला आदि छोटी छोटी पोटलियों में बांध कर रख देती हैं। सब हंसते हैं। 6वां भाग, अधर को उपदेश। श्री राम कृष्ण अधर के साथ अपने कमरे के उत्तरी ओर के बरामदे में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं।
श्री राम कृष्ण अधर से तुम डिप्टी हो, यह पद भी ईश्वर के ही अनुग्रह से मिला है। उन्हें न भूलना, समझना, सबको एक ही रास्ते से जाना है। यहाँ सिर्फ दो दिन के लिए आना हुआ है। संसार कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे देहात में घर है और कलकत्ते में काम करने के लिए आया जाता है, कुछ काम करना आवश्यक है, यह साधन है। जल्दी जल्दी सब काम समाप्त कर लेना चाहिए। जब सुनार सोना गलाते हैं तब ढोंकनी, पंखा, फूंकनी आदि से हवा करते हैं, जिससे आग तेज हो और सोना गल जाए। सोना गल जाता है तब कहते हैं चिलम भरो। अब तक पसीने पसीने हो रहे थे, पर काम करके ही तम्बाकू पियेंगे। पूरी जिद चाहिए, साधना तभी होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। उनके नाम बीज में बड़ी शक्ति है, वह अविद्या का नाश करता है। बीज कितना कोमल है और अंकुर भी कितना नरम होता है, परंतु मिट्टी कैसी ही कड़ी क्यों न हो, वह उसे पार कर ही जाता है। मिट्टी फट जाती है। कामिनी कांचन के भीतर रहने से भी मन को खींच लेते हैं। सावधानी से रहना चाहिए, त्यागियों के लिए विशेष भय की बात नहीं। यथार्थ त्यागी कामिनी कांचन से अलग रहता है। साधना के बल से सदा ईश्वर पर मन रखा जा सकता है। जो यथार्थ त्यागी है वे सर्वदा ईश्वर पर मन रख सकते हैं। वे मधुमक्खी की तरह केवल फूल पर बैठते हैं, मधु ही पीते हैं। जो लोग संसार में कामिनी कांचन के भीतर हैं, उनका मन ईश्वर में लगता तो है, पर कभी कभी कामिनी कांचन पर भी चला जाता है। जैसे साधारण मक्खियाँ बर्फी पर भी बैठती हैं और सड़े घाव पर भी बैठती हैं, हाँ विष्टा पर भी बैठती हैं। मन सदा ईश्वर पर रखना। पहले कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर पेंशन पा जाओगे। परिच्छेद 30। सुरेंद्र के मकान पर अन्नपूर्णा पूजा के उत्सव में भाग 1। अहंकार, स्वाधीन इच्छा अथवा ईश्वर इच्छा, साधु संग। सुरेंद्र के घर के आंगन में श्री राम कृष्ण सभा को आलोकित कर बैठे हुए हैं। शाम के 6 बजे होंगे। आंगन से पूर्व की ओर दालान के भीतर देवी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। माता के पाद पद्म में जवां और बिल्व पत्र तथा गले में फूलों की माला शोभायमान है। माता दालान को आलोकित करके बैठी हुई हैं। आज अन्नपूर्णा देवी की पूजा है। चैत्र शुक्ला अष्टमी 15 अप्रैल 1883 दिन रविवार। सुरेंद्र माता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए निमंत्रण देकर श्री राम कृष्ण को ले आए हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ आए हैं। आते ही उन्होंने दालान पर चढ़कर देवी के दर्शन किए, फिर प्रणाम करके खड़े होकर देवी की ओर देखते हुए उंगलियों पर मूल मंत्र जपने लगे। भक्तगण दर्शन और प्रणाम करके पास ही खड़े हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ आंगन में आए।
आंगन में दरी पर साफ चद्दर बिछी है, उस पर कुछ तकिए रखे हुए हैं। एक और मृदंग करता लेकर कुछ वैष्णव बैठे हुए हैं। संकीर्तन होगा। भक्तगण श्री राम कृष्ण को घेर कर बैठ गए। लोग श्री राम कृष्ण को एक तकिए के पास ले जाकर बैठाने लगे, परंतु वे तकिया हटा कर बैठे। श्री राम कृष्ण भक्तों से तकिए के सहारे बैठना जानते हो, ने अभिमान छोड़ना बड़ा कठिन है। अभी विचार कर रहे हो कि अभिमान कुछ नहीं है, परंतु फिरने जाने कहां से आ जाता है। बकरा काट डाला गया, फिर भी उसके अंग हिल रहे हैं। स्वप्न में डर गए हो, आंखें खुल गई, बिल्कुल सचेत हो गए, फिर भी छाती धड़क रही है। अभिमान ठीक ऐसा ही है, हटा देने पर भी न जाने कहां से आ जाता है। बस आदमी मुंह फुलाकर कहने लगता है, मेरा आदर नहीं किया। केदार तरनादपि सुनी चैन त्रो रिव सह सुनना। श्री राम कृष्ण, मैं भक्तों की रेणु की रेणु हूँ। वैद्यनाथ आई, वैद्यनाथ विद्वान हैं, कलकत्ता के हाई कोर्ट के वकील हैं। वे श्री राम कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करके एक और बैठ गए। सुरेंद्र श्री राम कृष्ण से, ये मेरे आत्मीय हैं। श्री राम कृष्ण, हाँ इनका स्वभाव तो बड़ा अच्छा है। सुरेंद्र, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, इसीलिए आए हैं। श्री राम कृष्ण वैद्यनाथ से, जो कुछ देख रहे हो सभी उनकी शक्ति है। उनकी शक्ति के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु एक बात है, उनकी शक्ति सब जगह बराबर नहीं है। विद्यासागर ने कहा था, परमात्मा ने क्या किसी को अधिक शक्ति दी है? मैंने कहा, शक्ति अगर अधिक न देते तुम्हें हम लोग देखने क्यों आते? तुम्हारे दो सींग थोड़े ही हैं। अंत में यही ठहरा कि विभू रूप से सर्वभूतों में ईश्वर है, केवल शक्ति का भेद है। वैद्यनाथ महाराज, मुझे एक संदेह है। यह जो फ्री विल अर्थात स्वाधीन इच्छा की बात होती है, कहते हैं कि हम इच्छा करें तो अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा भी, क्या यह सच है? क्या हम सचमुच स्वाधीन हैं? श्री राम कृष्ण, सभी ईश्वर के अधीन हैं, उन्हीं की लीला है। उन्होंने अनेक वस्तुओं की सृष्टि की है, छोटी बड़ी, भली बुरी, मजबूत कमजोर, अच्छे आदमी बुरे आदमी, यह सब उन्हीं की माया है, उन्हीं का खेल है। देखो ने, बगीचे के सब पेड़ बराबर नहीं होते। जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक जान पड़ता है हम स्वाधीन हैं। यह भर्म वे ही रख देते हैं, नहीं तो पाप की वृद्धि होती है। पाप से कोई न डरता, न पाप की सजा मिलती। जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है उनका भाव जानते हो क्या है? मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। मैं ग्रह हूँ, तुम ग्रही। मैं रथ हूँ, तुम रथी। जैसा चलाते हो वैसा ही चलता हूँ, जैसा कहते हो वैसा ही कहता हूँ। वैद्यनाथ से तर्क करना
अच्छा नहीं, आप क्या कहते हैं? वैद्यनाथ, जी हाँ, तर्क करने का स्वभाव ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है। श्री राम कृष्ण, थैंक यू, धन्यवाद। लोग हंसते हैं। तुम पाओगे ईश्वर की बात कोई कहता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता। यदि कोई महापुरुष कहे मैंने ईश्वर को देखा है तो कोई उस महापुरुष की बात ग्रहण नहीं करता। लोग सोचते हैं इसने अगर ईश्वर को देखा है तो हमें भी दिखाए तो जाने। परंतु नाड़ी देखना कोई एक दिन में थोड़े ही सीख लेता है, वैद्य के पीछे महीनों घूमना पड़ता है, तभी वह कह सकता है कौन कफ की नाड़ी, कौन पित्त की है और कौन वात की है। नाड़ी देखना जिनका पेशा है उनका संग करना चाहिए। सब हंसते हैं। क्या सभी पहचान सकते हैं कि यह अमुक नंबर का सूत है? सूत का व्यवसाय करो। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनकी दुकान में कुछ दिन रहो तो कौन 40 नंबर का सूत है, कौन 41 नंबर का, तुरंत कह सकोगे। भाग दो। भक्तों के साथ कीर्तनानंद समाधि में अब संकीर्तन होगा। मृदंग बजाया जा रहा है, गोष्ठ मृदंग बजा रहा है, अभी गाना शुरू नहीं हुआ। मृदंग का मधुर वाद्य गौरांग मंडल और उनके नाम संकीर्तन की याद दिलाकर मन को उद्दीप्त करता है। श्री राम कृष्ण भाव में मगन हो रहे हैं। रह रहकर मृदंग वादक पर दृष्टि डालकर कह रहे हैं, आहा, मुझे रोमांच हो रहा है। गवैयों ने पूछा कैसा पद गाएं। श्री राम कृष्ण ने विनीत भाव से कहा, जरा गौरांग के कीर्तन गाओ। कीर्तन आरंभ हो गया। पहले गौरचंद्रिका होगी, फिर दूसरे गाने। कीर्तन में गौरांग के रूप का वर्णन हो रहा है। कीर्तन गवैये अंतरों में चुन चुन कर अच्छे पद जोड़ते हुए गा रहे हैं। सखी, मैंने पूर्ण चंद्र देखा, ने हवाश है ने मृगांक, हृदय को आलोकित करता है। गवैयों ने फिर गाया, कोटि चंद्र के अमृत से उसका मुख धुला हुआ है। श्री राम कृष्ण यह सुनते समाधि मगन हो गए। गाना होता ही रहा। कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण की समाधि छुटी। वे भाव में मगन होकर एकाएक उठकर खड़े हो गए तथा प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं की तरह श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कीर्तन गवैयों के साथ साथ गाने लगे। सखी, रूप का दोष है या मन का? दूसरों को देखती हुई तीनों लोक में शाम ही शाम देखती हूँ। श्री राम कृष्ण नाचते हुए गा रहे हैं। भक्तगण निर्वाक होकर देख रहे हैं। गवैये फिर गा रहे हैं। गोपिका की उक्ति, बंसीरी तू अपने भज, क्या तुझे नींद भी नहीं आती, इसमें पद जोड़कर गा रहे हैं और नींदाए भी कैसे, शेष तो कर पल्लव है ने, श्री मुख के अमृत का पान करती है, तिस पर उंगलियां सेवा करती हैं। श्री राम कृष्ण ने आसन ग्रहण किया। कीर्तन होता रहा। श्रीमती राधा की उक्ति गाई जाने लगी। वे कहती हैं, दृष्टि श्रवण और घ्राण की शक्ति तो चली गई, सभी इंद्रियों ने
उत्तर दे दिया तो मैं ही अकेली क्यों रह गई। अंत में श्री राधा कृष्ण दोनों के एक दूसरे से मिलन का कीर्तन होने लगा। राधिका जी श्री कृष्ण को पहनाने के लिए माला गूंथ ही रही थी कि अचानक श्री कृष्ण उनके सामने आकर खड़े हो गए। युगल मिलन के संगीत का आशय यह है। कुंज वन में श्याम विनोदिनी राधिका कृष्ण के भावावेश में विभोर हो रही है। दोनों में से न तो किसी के रूप की उपमा हो सकती है और न किसी के प्रेम की ही सीमा है। आधे में सुनहली किरणों की छटा है और आधे में नीलकांत मणि की ज्योति। गले के आधे हिस्से में वन के फूलों की माला है और आधे में गजमुक्ता। कानों के अर्ध भाग में मकर कुंडल है और अर्ध भाग में रत्नों की छवि। अर्ध ललाट में चंद्रोदय हो रहा है और आधे में सूर्योदय। मस्तक के अर्ध भाग में मयूर शिखंड शोभा पा रहा है और आधे में वेणी। कनक कमल झिलमिला रहे हैं, फणी मानो मणि उगल रही है। कीर्तन बंद हुआ। श्री राम कृष्ण भागवत भक्त भगवान इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते हुए भूमिष्ठ हो प्रणाम कर रहे हैं। चारों ओर के भक्तों को उद्देश्य करके प्रणाम कर रहे हैं और संकीर्तन भूमि की धूली लेकर अपने मस्तक पर रख रहे हैं। तीसरा भाग, श्री राम कृष्ण और साकार निराकार। रात के 9:30 बजे का समय होगा। अन्नपूर्णा देवी दालान को आलोकित कर रही हैं। भामन श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ खड़े हुए हैं। सुरेंद्र, राखाल, केदार, मास्टर राम, मनमोहन तथा और भी अनेक भक्त हैं। उन लोगों ने श्री राम कृष्ण के साथ ही प्रसाद पाया है। सुरेंद्र ने सबको तृप्ति पूर्वक भोजन कराया है। अब श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर जाने वाले हैं। भक्त जन भी अपने अपने घर जाएंगे। सब लोग दालान में आकर इकट्ठे हुए हैं। सुरेंद्र श्री राम कृष्ण से, परंतु आज मातृ वंदना का भी गाना नहीं हुआ। परंतु आज मातृ वंदना का एक भी गाना नहीं हुआ। श्री राम कृष्ण देवी प्रतिमा की ओर उंगली उठाकर, आहा, दालान की कैसी शोभा हुई है। माँ मानो अपना दिव्य छटा छिटका कर बैठी हुई है। इस रूप के दर्शन करने पर कितना आनंद होता है। भोग की इच्छा, शोक, ये सब भाग जाते हैं। परंतु क्या निराकार के दर्शन नहीं होते हैं? हाँ, जरा भी विषय बुद्धि के रहते नहीं होते। ऋषियों ने सर्व त्याग करके अखंड सच्चिदानंद में मन लगाया था। आजकल ब्रह्म ज्ञानी उन्हें अचल धन कहकर गाते हैं। मुझे अलौना लगता है। जो लोग गाते हैं वे मानो कोई मधुर रस नहीं पाते। सिरे पर ही भूले रहे तो मिश्री की खोज करने की इच्छा नहीं हो सकती। तुम लोग देखते हो
बाहर कैसे सुंदर दर्शन हो रहे हैं और आनंद भी कितना मिलता है। जो लोग निराकार निराकार करते कुछ नहीं पाते, उनके न बाहर है न भीतर। श्री राम कृष्ण माता का नाम लेकर इस भाव का गीत गा रहे हैं। माँ आनंद में होकर मुझे निरानंद न करना, मेरा मन तुम्हारे उन दोनों चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता धर्मराज मुझे किस दोष से दोषी बतला रहे हैं। मेरे मन में यह वासना थी कि तुम्हारा नाम लेता हुआ मैं भवसागर से तर जाऊंगा। मुझे स्वप्न में भी नहीं मालूम था कि तुम मुझे असीम सागर में डुबा दोगे। दिन रात मैं दुर्गा नाम जप रहा हूँ, किंतु फिर भी मेरी दुख राशि दूर न हुई। परंतु हे हर सुंदरी, यदि इस बार भी मैं मरा तो यह निश्चय है कि संसार में फिर तुम्हारा नाम कोई न लेगा। श्री राम कृष्ण फिर गाने लगे, गीत इस आशय का है। मेरे मन दुर्गा नाम जपो, जो दुर्गा नाम जपता हुआ रास्ते में चला जाता है, शूल पानी शूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं। तुम दिवा हो, तुम संध्या हो, तुम ही रात्रि हो। कभी तो तुम पुरस्कारों धारण करती हो, कभी कामिनी बन जाती हो। तुम तो कहती हो कि मुझे छोड़ दो, परंतु मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे चरणों में नुपुर होकर बजता रहूंगा। जय दुर्गा श्री दुर्गा कहता हुआ माँ जब संकरी होकर तुम आकाश में उड़ती रहोगे, तब मैं मीन बनकर पानी में रहूंगा। तुम अपने नखों पर मुझे उठा लेना। हे ब्रह्मई, नखों के आघात से यदि मेरे प्राण निकल जाए तो कृपा करके अपने अरुण चरणों का स्पर्श मुझे करा देना। श्री राम कृष्ण ने देवी को फिर प्रणाम किया। अब सीढ़ियों से उतरते समय पुकार कर कह रहे हैं, ओ राजू हैं, ओ राखाल जूते सब हैं। श्री राम कृष्ण गाड़ी पर चढ़े, सुरेंद्र ने प्रणाम किया, दूसरे भक्तों ने भी प्रणाम किया। चांदनी अभी भी रास्ते पर पड़ रही है। श्री राम कृष्ण की गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी। परिच्छेद 31। सीन्ती के ब्रह्म समाज में ब्रह्म भक्तों के साथ, ब्रह्म में भक्तों के साथ। भाग 1, संसार में निष्काम कर्म। श्री राम कृष्ण ने श्री वेणीपाल के सीन्ती के बगीचे में शुभ आगमन किया है। आज सीन्ती के ब्रह्म समाज का 6 मई महोत्सव है। रविवार चैत्र पूर्णिमा 22 अप्रैल 1883 तीसरे प्रहर का समय। अनेक ब्राह्मण भक्त उपस्थित हैं। भक्तगण श्री राम कृष्ण को घेर कर दक्षिण के ब्रामदे में आ बैठे। सायंकाल के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम उपासना करेंगे। ब्राह्मण भक्तगण बीच बीच में श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। ब्राह्मण भक्त, महाराज मुक्ति का उपाय क्या है? श्री राम कृष्ण, उपाय अनुराग अर्थात उनसे प्रेम करना और प्रार्थना। ब्राह्मण भक्त, अनुराग या प्रार्थना? श्री राम कृष्ण, अनुराग पहले फिर प्रार्थना। श्री राम कृष्ण सुर के साथ गाना गाने लगे।
जिसका भावार्थ यह है, हे मन पुकारने की तरह पुकारो तो देखो श्यामा कैसे रह सकती है। फिर बोले, और सदा ही उनका नाम गुणगान कीर्तन और प्रार्थना करनी चाहिए। पुराने लोटे को रोज मांजना होगा, एक बार मांजने से क्या होगा। और विवेक वैराग्य तथा संसार अनित्य है यह बुद्धि चाहिए। ब्राह्मण भगत, संसार छोड़ना क्या है। श्री राम कृष्ण, सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं। जिनके भोग का अंत नहीं हुआ उनसे संसार त्याग नहीं होता। रत्ती भर शराब से क्या मस्ती आती है। ब्राह्मण भक्त, तो फिर वे लोग संसार करेंगे। श्री राम कृष्ण, हाँ वे लोग निष्काम कर्म करने की चेष्टा करें। हाथ में तेल मलकर कटहल छीले। धनियों के घर में दासियां सब काम करती हैं, परंतु मन रहता है अपने निज के घर में। इसी का नाम निष्काम कर्म है, इसी का नाम है मन से त्याग। तुम लोग मन से त्याग करो। सन्यासी बाहर का त्याग और मन का त्याग दोनों ही करे। ब्राह्मण भक्त, भोग के अंत का क्या अर्थ है। श्री राम कृष्ण, कामिनी कांचन भोग है। जिस कमरे में इमली का अचार और पानी की सुराई है, उस कमरे में यदि सन्नीपात का रोगी रहे तो मुश्किल ही है। रुपया पैसा मान इज्जत शारीरिक सुख ये सब भोग एक बार न हो जाने पर, भोग का अंत न होने पर ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती। ब्राह्मण भक्त, स्त्री जाति खराब है या हम खराब हैं। श्री राम कृष्ण, विद्या रूपिणी स्त्री भी है और फिर अविद्या रूपिणी स्त्री भी है। विद्या रूपिणी स्त्री भगवान की ओर ले जाती है और अविद्या रूपिणी स्त्री ईश्वर को भुला देती है, संसार में डुबा देती है। उनकी महामाया से यह जगत संसार हुआ है। इस माया के भीतर विद्या माया और अविद्या माया दोनों ही हैं। विद्या माया का आश्रय लेने पर साधु संघ की इच्छा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वैराग्य ये सब होते हैं। पंचभूत तथा इंद्रियों के भोग के विषय अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द यह सब अविद्या माया है, यह ईश्वर को भुला देती है। ब्राह्मण भक्त, अविद्या यदि अज्ञान पैदा करती है तो उन्होंने अविद्या को पैदा क्यों किया। श्री राम कृष्ण, उनकी लीला, अंधकार ने रहने पर प्रकाश की महिमा समझी नहीं जा सकती, दुख ने रहने पर सुख समझा नहीं जा सकता। बुराई का ज्ञान रहने पर ही भलाई का ज्ञान होता है। फिर आम पर छिलका है इसीलिए आम बढ़ता है और पकता है। आम जब तैयार हो जाता है उसमें छिलका फेंक देना पड़ता है। माया रूपी छिलका रहने पर ही धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान होता है। विद्या माया अविद्या माया आम के छिलके की तरह हैं, दोनों ही आवश्यक हैं। ब्राह्मण भक्त, अच्छा साकार पूजा, मिट्टी से बनाई हुई देव मूर्ति की पूजा, ये सब क्या ठीक है। श्री राम कृष्ण, तुम लोग साकार नहीं मानते हो, अच्छी बात है। तुम्हारे लिए मूर्ति नहीं भाव मुख्य है। तुम लोग आकर्षण मात्र को लो, जैसे श्री कृष्ण पर राधा का आकर्षण प्रेम। साकारवादी जिस प्रकार माँ काली माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ माँ कहकर
पुकारते हैं, कितना प्यार करते हैं। तुम लोग इसी भाव को लो, मूर्ति को न भी मानो तो कोई बात नहीं। ब्राह्म भक्त, वैराग्य कैसे होता है और सभी को क्यों नहीं होता? श्री राम कृष्ण, भोग की शांति हुए बिना वैराग्य नहीं होता। छोटे बच्चे को खाना और खिलौना देकर अच्छी तरह से भुलाया जा सकता है, परंतु जब खाना हो गया और खिलौने के साथ खेल भी समाप्त हो गया, तब वह कहता है माँ के पास जाऊंगा। माँ के पास न ले जाने पर खिलौना पटक देता है और चिल्ला कर रोता है। सच्चिदानंद ही गुरु है। ईश्वर लाभ के बाद संध्यादि कर्मों का त्याग। ब्राह्मण भक्तगण गुरुवाद के विरोधी हैं, इसीलिए ब्राह्मण भक्त इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण भक्त, महाराज गुरु न होने पर क्या ज्ञान न होगा? श्री राम कृष्ण, सच्चिदानंद ही गुरु हैं। यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारा चैतन्य जागृत कर दे तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस रूप को धारण किया है। गुरु मानो सखा हैं, हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। भगवान का दर्शन होने पर फिर गुरु शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता। वह बड़ा कठिन स्थान है। वहां पर गुरु शिष्यों में साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए जनक ने सुखदेव से कहा था, यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो पहले दक्षिणा दो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर गुरु शिष्यों में भेदभाव नहीं रहेगा। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता तभी तक गुरु शिष्य का संबंध रहता है। थोड़ी देर में संध्या हुई। ब्राह्मण भक्तों में से कोई कोई श्री राम कृष्ण से कह रहे हैं, शायद अब आपको संध्या करनी होगी। श्री राम कृष्ण, नहीं ऐसा कुछ नहीं, यह सब पहले पहल एक बार कर लेना पड़ता है, उसके बाद फिर अर्धपात्र या नियम आदि की आवश्यकता नहीं रहती। भाग दो। श्री राम कृष्ण तथा आचार्य बेचाराम, वेदांत और ब्रह्म तत्व के प्रसंग में संध्या के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बचाराम ने वेदी पर बैठकर उपासना की। बीच बीच में ब्राह्मण संगीत और उपनिषद का पाठ होने लगा। उपासना के बाद श्री रामकृष्ण के साथ बैठकर आचार्य जी ने अनेक प्रकार के वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, अच्छा, निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है, आपका मत है? आचार्य जी, निराकार मानो इलेक्ट्रिक करंट, बिजली का प्रवाह है। आंखों से देखा नहीं जाता परंतु अनुभव किया जाता है। श्री राम कृष्ण, हाँ दोनों ही सत्य हैं। साकार निराकार दोनों सत्य हैं। केवल निराकार कहना कैसा है जानते हो? जैसे शहनाई में 7 छेद रहते हुए भी एक व्यक्ति केवल पों पों करता रहता है, परंतु दूसरे को देखो कितनी ही राग रागनियां बजाता है। उसी प्रकार देखो साकारवादी ईश्वर का कितने भावों से आस्वाद लेता है। शांत, दास्य, सखे, वात्सल्य, मधुर अनेक भाव से। असली बात क्या है जानते हो? किसी भी प्रकार से अमृत के कुंड में गिरना है, चाहे सतो करके गिरो अथवा कोई धक्का दे दे और तुम जाकर कुंड में गिर पड़ो, परिणाम एक ही होगा, दोनों ही अमर होंगे। ब्राह्मणों के लिए जल और बर्फ की उपमा ठीक है। सच्चिदानंद मानो अनंत जल राशि है। महासागर का जल ठंडे देश में स्थान स्थान पर जिस प्रकार
बर्फ का आकार धारण कर लेता है, उसी प्रकार भक्त रूपी ठंड से भी सच्चिदानंद भक्ति के लिए साकार रूप धारण करते हैं। ऋषियों ने उस अतीन्द्रिय चिन्मय रूप का दर्शन किया था, उनके साथ वार्तालाप किया था। भक्त के प्रेम के शरीर भागवती तनु द्वारा इस चिन्मय रूप का दर्शन होता है। फिर है ब्रह्म अवांग मन गोचरम, ज्ञान रूपी सूर्य के ताप से साकार बर्फ गल जाती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद निर्विकल्प समाधि के बाद फिर वही अनंत वाक्य मन के अतीत अरूप निराकार ब्रह्म, उसका स्वरूप मुख से नहीं कहा जाता, चुप हो जाना पड़ता है। मुख से कहकर अनंत को कौन समझाएगा। पक्षी जितना ही ऊपर उठता है उसके ऊपर और भी है। आप क्या कहते हैं आचार्य? जी हाँ, वेदांत में इसी प्रकार की बातें हैं। श्री राम कृष्ण, नमक का पुतला समुद्र नापने गया था, लौटकर फिर उसने खबर नहीं दी। एक मत में है सुखदेव आदि ने दर्शन स्पर्शन किया था, डुबकी नहीं लगाई थी। मैंने विद्यासागर से कहा था सब चीजें उच्चिष्ट हो गई हैं, परंतु ब्रह्म उच्चिष्ट ने हुआ, अर्थात ब्रह्म क्या है कोई मुख से कह नहीं सका। मुख से बोलने से ही चीज उच्चिष्ट हो जाती है। विद्यासागर विद्वान हैं, यह सुनकर बहुत खुश हुए। सुना है केदार के उस तरफ बर्फ से ढका पहाड़ है, अधिक ऊंचाई पर उठने से फिर लौटना नहीं होता। जो लोग यह जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई पर क्या है तथा वहां जाने पर कैसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी। उठने से फिर लौटना नहीं होता। जो लोग यह जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई पर क्या है तथा वहां जाने पर कैसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी। उनका दर्शन होने पर मनुष्य आनंद से विवल हो जाता है, चुप हो जाता है। खबर कौन देगा, समझाएगा कौन? सात फाटकों से परे राजा है, प्रत्येक फाटक पर एक एक महा ऐश्वर्यवान पुरुष बैठे हैं। प्रत्येक फाटक से शिष्य पूछ रहा है क्या यही राजा है, गुरु भी कह रहे है नहीं, नेति नेति। सातवें फाटक पर जाकर जो कुछ देखा एकदम अवाक रह गई, आनंद में विह्वल हो गई। फिर यह पूछना नहीं पड़ा कि यही राजा है, देखते ही सब संदेह मिट गए। आचार्य जी हाँ, वेदांत में इसी प्रकार सब लिखा है। श्री राम कृष्ण, जब वे सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं तब हम उन्हें सगुण ब्रह्म आद्याशक्ति कहते हैं। जब वे तीनों गुणों से अतीत हैं तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म वाक्य मन के अतीव पर ब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य उनकी माया में पड़कर अपने स्वरूप को भूल जाता है, इस बात को भूल जाता है कि वह अपने पिता के अनंत ऐश्वर्य का अधिकारी है। उनकी माया त्रिगुणामयी है, ये तीनों ही गुण डाकू हैं, सब कुछ हर लेते हैं, हमारे स्वरूप को भुला देते हैं। सत्व रज तम तीन गुण हैं, इनमें से केवल सत्व गुण ही ईश्वर का रास्ता बताता है, परंतु ईश्वर के पास सत्व गुण भी नहीं ले जा सकता। एक धनी जंगल के बीच में से जा रहा था, ऐसे में तीन डाकू आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीन कर एक डाकू ने कहा, अब इसे रख कर क्या करोगे, इसे मार डालो। ऐसा कहकर वह उसे काटने गया। दूसरा डाकू बोला,
जान से मत मारो, हाथ पर बांध कर इसे यहीं पर छोड़ दिया जाए तो फिर यह पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा। यह कहकर उसे बांध कर डाकू लोग वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर के बाद तीसरा डाकू लौट आया, आकर बोला, खेद है तुमको बहुत कष्ट हुआ, मैं तुम्हारा बंधन खोले देता हूँ। बंधन खोलने के बाद उस व्यक्ति को साथ लेकर डाकू रास्ता दिखाता हुआ चलने लगा। सरकारी रास्ते के पास आकर उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, अब तुम सहज ही अपने घर जा सकोगे। उस व्यक्ति ने कहा, यह क्या मैं से, आप भी चलिए, आपने मेरा कितना उपकार किया, हमारे घर पर चलने से हम कितने आनंदित होंगे। डाकू ने कहा, नहीं, मेरे वहाँ जाने पर छुटकारे का उपाय नहीं, पुलिस पकड़ लेगी। यह कहकर रास्ता बताकर वह लौट गया। पहला डाकू तमोगुण है, जिसने कहा था, इसे रखकर क्या करोगे, मार डालो, तमोगुण से विनाश होता है। दूसरा डाकू रजोगुण है, रजोगुण से मनुष्य संसार में आबद्ध होता है, अनेकानेक कार्यों में जकड़ जाता है। रजोगुण ईश्वर को भुला देता है, सत्वगुण ही केवल ईश्वर का रास्ता बताता है। दया, धर्म, भक्ति, यह सब सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण मानो अंतिम सीढ़ी है, उसके बाद ही है छत। मनुष्य का धाम है पर ब्रह्म, गुणातीत न होने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। आचार्य, अच्छा हुआ ये सब बड़ी अच्छी बातें हुई। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, भक्त का स्वभाव क्या है जानते हो, मैं कहूँ तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं। तुम लोग आचार्य हो, कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो। तुम लोग जहाज हो, हम तो हैं मछुओं की छोटी नैया। सभी हंस पड़े। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो 11 हम शुरू करेंगे, परिच्छेद 32, नंदन बागान के ब्राह्मण समाज में भक्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।